तो गाइज अभी हम पहुंच गए कसौल। तो ये है कसौल का व्यू, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। शाम के बज गए हैं 5, तो अभी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो ऊपर आप बर्फ के पहाड़ देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से काफ़ी नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, रात को यहाँ पे रुकेंगे कसौल में, नाइट कैंपिंग करेंगे यहाँ पे कसौल में। तो अभी देखते हैं रात को हमारे को रुकने को यहाँ पे कोई स्टे मिलता है या नहीं मिलता है। तो बाकी अभी हम कल का मॉर्निंग व्यू आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है कसौल में रुकने के लिए। तो काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पे गर्मी के टाइम में, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो और झरने का जो साउंड है वो काफ़ी इतना अच्छा है कि आपका जो माइंड है इतना, आप मतलब कि 7-8 घंटे आप ट्रैवल करके आ रहे हो तो इतना रिफ्रेश कर देता है माइंड को कि इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेना रात को कैसा व्यू। अभी नेक्स्ट मैं आपको रात का व्यू यहाँ पे दिखाऊंगा कसौल पर, तो कैसा होता है रात का व्यू। तो ये कसौल मैं आपको बता दूँ कि ये पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्योंकि सोर्स यहाँ पर लिखा गया है। तो अभी देखते हैं रात को यहाँ पे, अभी हम स्टे करेंगे रात के लिए। तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ पे आके एक अलग सी वाइब आती है, जो कि पहाड़ों में आके, क्योंकि हम मोस्टली हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में वो डेली वही रूटीन रहता है, सुबह जाओ शाम को ऑफिस वापस आओ। तो यहाँ पे जो झरने की आवाज़ यहाँ पे आप वहाँ पे सुन रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वाइब यहाँ पे आ रही है अभी इस टाइम पे, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो अभी हम रूम का पता करने जा रहे हैं ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पे रूम मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो नेक्स्ट हमारे पास रहने के लिए कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। एक कॉटेज है शाम के लिए रहने के लिए, तो यहाँ पे रूम है। मैं गाइस मिल रहा हूँ भाई को स्टे करवाने के लिए अपना स्टॉलर कैंप एंड कैफे। तो रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे, चिल एंड वाइब्स, ओनली माउंटेन वाइब्स। हाँ तीन परसेंट इसमें आ जाएंगे जी भाई, बड़े आराम से 5-5 लगते हैं। चार्जर क्या है इसके? हैं 1200। 1800? 1200 आपके लिए है, वो भी आप बाहर से आपको मैंने ड्रॉप किया जो भी। तो भाई ये 1200 रुपए में भाई बता, आपको जायज ही रेट बताया, गलत नहीं मिल रहा है यहाँ पे कसौल में, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अभी ठंड तो इतनी है नहीं भाई, मौसम भी बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ का व्यू है, ऊपर सामने आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे सुबह मॉर्निंग में, अभी भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे। ये अपने अनिल भाई, अच्छा होशियारपुर से आए स्पेशल। ये पंकज भाई, भाई यार सही सही कर ले यार यार है। तो भाई आज हम रात को यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ये रहा हमारे कोटेज, और रात को यहीं पे स्टे करेंगे। और यहाँ का व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है आपका। आप लोग लेके आओ बैग वगैरह, मैं रूम रेडी करता हूँ। तो भाई ये रहा हमारा कोटेज, रात को हम यहीं पे रुक स्टे करेंगे। तो ये रहा कसौल का व्यू। भाई डॉग का नाम है डोबू।
नसीब से। हेलो, अभी हमें सामान भी लेके आना है गाड़ी से। तो गाइस ये है कसोल वैली का व्यू, और जो कि पड़ता है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। ये शाम के यहाँ पे बज रहे हैं 7, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से सामान लेने। ये शाम का व्यू है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे शाम को देखने को मिलता है। तो ये ऊपर पहाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम उस पुल से सड़क क्रॉस करेंगे वहाँ के लिए। तो गाइस ये है कसोल का नाइट व्यू, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 बजे। तो ये आपका यहाँ पे साथ में नदी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये ऊपर यहाँ पे तो भाई ये रहा हमारा टेंट, रात को हम यहीं भी सोएंगे। ये रोड वैली ये टेंट्स है, तो ये आपको 500 रुपये पर पर्सन यहाँ पे रहने के लिए मिल जाएगा। गाइस ये है मॉर्निंग व्यू ऑफ कसोल, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और इतनी अच्छी धूप यहाँ पे निकल चुकी है। तो रात को हमने यहीं पे स्टे किया था, ये हमारा कैंप था रात को। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। ये हमारे भाई लोग करनाल से आए ना भाई, ने तो पूरा एंजॉय किया रात को भाई। वीडियो लगा देना, वीडियो है नहीं इसकी रात की, है नहीं वो बनी नहीं, वो तो स्नैप ही बना रहा था मैं, सेव कर लेते किसी को भेज के। चलो देखता हूँ, हम पे पड़ी होगी तो हम भेज देंगे। अरे नहीं ऐसे भाई, फिर वो पब्लिक हो जाएगा ना यार। तो गाइस अगर आपने भी कसोल आना है तो अभी जून का मंथ चल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी तो काफ़ी सही है रात को भी यहाँ पे वेदर, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। स्टोनर कैंप्स एंड कैफे, तो ये रहा गाइस कसोल का व्यू। हमने हमारी गाड़ी वो सामने हमें पार्क कर दी है रात को वहाँ से, जो रात को तो वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे, 8:30-9 बजे, तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। ये है कसोल का पहाड़, बस यहाँ पे यही सीज़न होता है आने का, जून जुलाई में तो बारिश से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर यहाँ पे क्राउड नहीं रहता है। रात को यहाँ पे आके आप कैंप्स में रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक वगैरह चला रहता है रात को पूरी रात, अपना आओ एंजॉय करो।
पता ये क्या चीज़ है। हाँ ऊपर तो काफ़ी है, वेरी टाइप होता है, इसका नाम नहीं मेरे को पता। काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। नेचुरल चीज़ है भाई। अनिल भाई को देखिए कैसे खा रहे हैं। ये इतने सारे बेरीज हमने ऊपर से तोड़ लिया। तो जो पहाड़ों में आपको ये जो चीज़ मिलेगी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। लेके आया थोड़ा, लो ना भाई को भी तो दे रहे हैं। जो पके हैं वो एक नंबर के हैं। सही बात है, दो ही रखे हैं यार। इतनी मेहनत करने के बाद चलो, मीठा बहुत है ना। सेब के पौधे भाई, ये देखो क्वारंटाइन के धागों से अगर चटाई वगैरह कुछ बनानी हो तो वैसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, सिर्फ पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगी अभी किसी भी घर में। अभी आजकल तो मार्केट में सब ऑनलाइन ही मिल जाता। तो भाई कसोल आने का सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप मई जून गर्मियों में यहाँ पे आएँ, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए काफ़ी होम स्टे यहाँ पे आपको रहने के लिए मिल जाएंगे और सस्ते में, और 100-500 पर पर्सन आपको यहाँ पे होम स्टे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी वाइब यहाँ पे रात को आती है, म्यूज़िक वगैरह चलता है। इसको ना वो पूरा करूँगा, निकल रहे हैं के लिए। चेकआउट कर दिया है,